हाय माय लिटिल यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? वेलकम टू द पाकिस्तानी रिएक्शंस। मैं हूं वजाहत और आज की वीडियो एकदम अमेजिंग टाइप होने वाली, क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि स्टार्ट होने वाले हैं इस साल या उसके अगले साल। ठीक है, ये पार्ट थ्री यानी पार्ट वन पार्ट टू भी है। पहले पार्ट थ्री रिएक्ट करेंगे और उसके बाद आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि हमें पार्ट वन और पार्ट टू रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट यार लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो मस्त करो यार। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और इस वीडियो का लिंक मैं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मेक श्योर आप इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना मत भूलिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारे देश भारत में बन रहे या बन चुके मेगा प्रोजेक्ट्स के विषय में ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर हर एक भारतवासी गौरवान्वित महसूस करेगा। जो देश अब तक भारतवर्ष को सपेरों का देश कहते थे, उन्हें भी अब हमसे रश्क होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स की सैर कराता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक, ये स्मारक पूरी तरह से शिवाजी महाराज को समर्पित है। वहीं ये स्मारक दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक होगा। ये भव्य स्मारक भारत के मुंबई शहर के तट के पास अरब सागर में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य साल 2021 तक पूरा होने की संभावना है। सपनों की नगरी मुंबई में समुद्र के बीचों बीच बन रही शिवाजी महाराज की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। शिवाजी महाराज की 210 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा यहां के लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। इसके साथ ही इसके बनने से यहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल का निर्माण करा रही है। आपको बता दें कि इस स्मारक के लिए बनने वाला आधार 77 मीटर का होगा। इसी आधार पर घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की मूर्ति होगी। वहीं पूरे स्मारक को 13 हेक्टेयर में फैली चट्टानों पर बनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्मारक स्थल पर एम्फी थिएटर, लाइब्रेरी एवं फूड कोर्ट आदि बनाए जाएंगे। चंद्रोदय मंदिर, धर्मनगरी मथुरा में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर है। यह मंदिर ऊंचाई के मामले में तो रिकॉर्ड बनाएगा ही, साथ ही हाईटेक भी होगा। 700 फीट ऊंचे मंदिर में 70 मंजिलें होंगी, साथ ही हाई स्पीड लिफ्ट भी होगी। इस खास मंदिर का डिजाइन अमेरिका के इंजीनियर्स की मदद से तैयार किया गया है। चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसका निर्माण संभावित तौर पर 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि सबसे ऊंची इमारत होने के बावजूद ये भूकंप रोधी भी होगी। मंदिर में एक कल्चरल सेंटर के साथ ही थीम पार्क भी होगा। श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर 30 एकड़ जमीन में होगा। मंदिर के आसपास हरियाली का खास ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर चारों तरफ से जंगल से कवर्ड रहेगा। कुल मिलाकर 12 वन होंगे, जिनमें खजूर के वन, वट वृक्ष, तुलसी का वन और निधि वन आदि होंगे। इतने बड़े मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। मंदिर के लिए इतनी बड़ी पार्किंग बन रही है जिसमें 4500 कारें खड़ी हो सकेंगी। इस्कॉन से जुड़े लोगों के मुताबिक मंदिर का निर्माण 700 करोड़ की लागत से करा जा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसके पास 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। 16,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हवाई अड्डा नवी मुंबई में होगा। ये रायगढ़ जिले से भी सटा होगा और मुंबई शहर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अभी छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही विदेशों के लिए सेवा देता है, जहां यात्रियों की भीड़
अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इससे निपटने के लिए नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। सेतु भारतम सड़क सिर्फ आवाजाही का ही साधन नहीं है, बल्कि हमारे आपसी संबंधों की मजबूती में सड़क सेतु की भूमिका निभाती है। सड़क के इसी महत्व को समझा गया और लोगों के लिए हर समय सुविधाजनक और सुरक्षित मार्ग प्राप्त हो सके, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अहम कदम उठाए गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों को नई ऊंचाइयां मिले। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवागमन के लिए महत्वाकांक्षी सेतु भारतम परियोजना पर तीव्र गति से काम चल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करा जा रहा है। इसके अंतर्गत 208 रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों को रेलवे क्रॉसिंग्स पर होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार लगभग 1500 पुराने पुलों को तोड़कर अधिक क्षमता वाले नए पुल बनाए जा रहे हैं। इन पुलों पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि ये परियोजना इसी वर्ष यानी 2019 में पूरी हो जाए। इस पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, रेल सड़क और समुद्री परिवहन वाले 7,200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के शुरू हो जाने से रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और वस्तुओं की आवाजाही में समय और लागत की बचत होगी। रूस, भारत और ईरान इस परियोजना के संस्थापक सदस्य हैं। अनुवर्ती रूप में अन्य मध्य एशियाई देशों से समर्थन मांगा गया था और अब इसका विस्तार किया गया है और अब वर्तमान सदस्य हैं भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, तुर्की और यूक्रेन और बुल्गारिया पर्यवेक्षक है। इस कॉरिडोर की अनुमानित क्षमता हर साल 20 से 30 मिलियन टन माल की आवाजाही है। और यहाँ पे हुई वीडियो खत्म। यार बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थे कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनने जा रहा है इंडिया में, मतलब इंडिया में, और वो भी कहाँ पे, मुंबई में, तो वो भी समंदर के बीचों बीच, जिस तरह अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी तरह। लेकिन ये बहुत बड़ा होने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा होगा, तो ये इंडिया इसमें भी बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक मंदिर भी बन रहा है, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी मुंबई में बन रहा है कि कहाँ बन रहा है गाइस, वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे कंफर्म नहीं वो कहाँ बन रहा है, लेकिन बन रहा है, मतलब जो कि 70 मंजिला पे होगा, उसमें पार्क भी है, सब कुछ भी है, ग्रीनरी तो ज़बरदस्त, जिस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर बताया वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि सब कुछ है वहाँ पे, ग्रीनरी है। यार ये ग्रीनरी जो होती है ना, खूबसूरती में इजाफा करती है किसी भी चीज़ के। और वहाँ पे मतलब मोटरवे टाइप रोड बड़े बड़े बन रहे थे, मतलब वो प्लान है, ठीक है, उसमें अभी भी काम जारी हुआ है, जो यार इतना खर्चा। और वो जो एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है एक और मुंबई में, मे बी उस पर काम स्टार्ट हो गया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे बेहतर मुंबई में रहने वाले लोग बता सकते हैं कि भाई उस पर काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यार दो दो एयरपोर्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार मुंबई बहुत बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है, तो यार वहाँ पे एक एयरपोर्ट इनफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश हो चुका है उस एयरपोर्ट पे। मुझे मैंने पिक में देखा तो उससे मुझे पता लग रहा था कि बहुत रश हो चुके, तो नहीं चाहिए कम से कम। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो लोग एक और एयरपोर्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, और मतलब इतना मज़े का बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर से मुझे यह देख के लगा। और जो एक कॉरिडोर बन रहा है यार, उसका मुझे सही कन्फर्म नहीं है, सो प्लीज़ यार कॉमेंट में आप मुझे बताएं, मेरी इन्फॉर्मेशन में और इजाफा कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना।